में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा फैसला ले लिया। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अखिलेश यादव के साथ ही लालजी वर्मा और अवधेश प्रसाद ने भी अपनी अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कन्नौज, अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तीनों ने ही अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद तीनों को ही लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक सीट को छोड़ना था, तो तीनों ने ही अपनी अपनी विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दफ्तर में है और अगर आप देखें तो यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे, अखिलेश यादव नेता विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी। यहाँ पर अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं और आपने अक्सर उनको देखा होगा विधानसभा में सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल जवाब करते हुए, विपक्षी नेता के तौर पर जवाब देते हुए, और तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी जहाँ पर अखिलेश यादव भी बैठे हैं, सतीश महाना भी बैठे हैं। तो कहानी कुछ ये है कि अब यहां से तो इस्तीफा दिया है, साथ में अवधेश प्रसाद, कुल विपक्ष के यानी कि समाजवादी पार्टी के कुल चार विधायक हैं जो इस बार सांसदी जीते हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से। अब नतीजा क्या है उसका कि जब सांसदी जब जीते हैं तो उसके बाद अब उनको आगे जाना है यहाँ लोकसभा में, उसके लिए उनको विधायक पद छोड़ना पड़ेगा। कौन से वो नाम है? अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जयवर्क रहमान जो कि बर्ग साहब के बेटे हैं, और लालजी वर्मा बसपा सर से सपा में आए लालजी वर्मा। जी हाँ, तो ये चारों जो हैं अब यहाँ से इस्तीफा देकर जाएंगे लोकसभा। क्या मायने हैं, क्या ये सही निर्णय है या नहीं है? अगर अखिलेश यादव कन्नौज सीट छोड़ते तो एक बात साफ थी कि कन्नौज सीट छोड़कर कन्नौज सीट वापस पाना शायद एक मुश्किल खीर थी, लेकिन अखिलेश ने करहल को छोड़ा है, करहल में अगर वो छोड़ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो कि उनके भाई वो भतीजे भी हैं, तो तेज प्रताप यादव वहां पे सबसे मुफीद चेहरा होंगे जो करहल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि करहल से वो जुड़े रहे हैं मुलायम सिंह यादव से लेकर डिम्पल यादव के साथ। तेज प्रताप ने वहां चुनावी सभाएं की हैं, कैंपेनिंग की है, साथ ही साथ पूर्व सांसद मैनपुरी भी रहे हैं जब मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिया था और आजमगढ़ चले गए थे। तो इन सारे जो अगर आप फिगर्स देखें उनके हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से तेज प्रताप करहल को जिताने का मादा रखते हैं। हालांकि बीजेपी भी कोई हल्का कैंडिडेट वहां से नहीं उतारेगी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जयवीर सिंह ने मैनपुरी सदर जीती थी सीट विधानसभा की, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव एक तरफा होगा। लेकिन कन्नौज से अगर आप कंपेयर करें तो शायद समाजवादी पार्टी को करहल में ज्यादा एज होगा, क्योंकि चर्चा उस वक्त भी हुई थी जब तेज प्रताप यादव का नाम अनाउंस किया गया था और पार्टी खेमे में भी चर्चा थी कि आप तेज प्रताप को ना से कन्नौज जीतना मुश्किल हो जाएगा, अखिलेश को खुद आना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश ने कुछ ही घंटों में निर्णय लिया और खुद मैदान में उतर आया और फायदा उसका यह हुआ, केवल कन्नौज ही नहीं बल्कि पूरे आलोबेल्ट में समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में जब अखिलेश को एक पक्ष चुनना है तो उन्होंने कन्नौज को चुना है और यहां से दिया है इस्तीफा। 27 का चुनाव सामने है, कई नेता ऐसे भी हैं जो ये चाहते थे कि वो नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन शायद अखिलेश अभी फोकस सेंट्रल पॉलिटिक्स में करेंगे और अपने सांसदों को लीड करते नजर आएंगे, राहुल गांधी के साथ संसद में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सवाल जवाब करते नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि एक साल के बाद वो उस सीट को छोड़ें और अगर तेज प्रताप करहल जीतते हैं वो वापस चुनाव लड़ें, क्योंकि आखिरी में जो कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे उनको उनके टारगेट पर अगर कुछ है तो वो है 2027 का वो विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने नजरें गड़ा ली हैं। जिनसे गलतियां हुई हैं वो सीख ले रहे हैं, जो सीख लेकर आगे बढ़े हैं वो बेहतर करने के प्रयास में अग्रसर नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव पहले करहल विधानसभा से जीते थे, हालांकि कन्नौज लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही अवधेश प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे और लालजी वर्मा जो कटेहरी से विधायक थे, इन दोनों ने भी अपनी अपनी विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही संभल की कुंदरकी सीट से सपा नेता जियाउर रहमान बर्क भी विधायक हैं, वो भी संभल लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। खबर है कि वो भी जल्द ही विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद इन तमाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।